महोदय से प्रश्न है कि बिहार को प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 25.83 लाख एवं 2019-20 में 48.6 लाख एवं 2020-21 में शून्य सहायता दी गई। इसके कारण क्या है महोदय कि 2020-21 में शून्य सहायता दी गई है? महोदय, आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि स्टेट का शेयर तभी जाता है जब भारत सरकार के पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशंस आते हैं, किंतु साथ ही जैसा कि जवाब में इंगित है, इस स्कीम को इस फाइनेंशियल ईयर में समाप्त कर आप ही की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बजट में हमारी वित्त मंत्री ने मिशन शक्ति को प्रेषित किया है। उसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम राष्ट्र भर में प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय में चलाए जाएंगे। महिला शक्ति केंद्र से उत्पन्न हुई जो जो चुनौतियां रही उनका समाधान इस मिशन शक्ति के अंतर्गत हम करना चाहेंगे। लेकिन आपके माध्यम से महोदय, मैं माननीय सांसद श्री को अवगत कराना चाहती हूँ कि बिहार में जिस कार्यक्रम का वो उल्लेख कर रहे हैं उनमें से उत्तीर्ण कार्यक्रम है जीविका का एक पूरा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ कि 20 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन देश की 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र भर में 7 करोड़ महिलाओं को प्रावधान देने का समर्थन देने का कार्य मोदी सरकार ने किया है, जिसमें बिहार राज्य भी सम्मिलित है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत मिशन पोषण 2 से कितनी बालिकाएं, महिलाएं एवं प्रेग्नेंट वुमेन को, ग्रामीण महिलाओं को जीने की आवश्यकता को पूरा किया गया है, तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल हब्स या सेंटर्स द्वारा नारी अदालत क्या रोल निभा रहा है, जबकि पूरे देश में 22.99% महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं? महोदय, माननीय सांसद ने प्रश्न है महिला सशक्तिकरण, सेल्फ हेल्प ग्रुप और मिशन शक्ति महिला शक्ति केंद्र का, किंतु साथ ही सवाल पूछा है नारी अदालत के संदर्भ में और पोषण 2 के संदर्भ में। पोषण 2 हाल ही में बजट में प्रनाउंस हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार में और राष्ट्र भर में हर जिले में हर आंगनबाड़ी के माध्यम से हर गर्भवती, लैक्टेटिंग और महिला और साथ ही बच्चों के न्यूट्रिशनल सपोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें माननीय सांसद के क्षेत्र की हर बहन उसके लिए लाभार्थी बनी है, चिन्हित हुई है। माननीय महोदय अध्यक्ष जी, आपके दिशा निर्देश के अनुसार दिशा की मीटिंग में विशेष सभी सांसदों से आग्रह किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में पोषण अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अगर कोई चुनौती है और समाधान है तो उनको भारत सरकार की मदद की अथवा किसी और सहयोग की जरूरत है, वो सहयोग देने के लिए हम सब समर्पित हैं। और जहां तक कि महोदय सांसद महोदय ने पूछा है विषय नारी अदालत का, वो भी मिशन शक्ति का ही एक अभिन्न अंग बनेगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने भी अपना समर्थन इस विषय को दिया है।